आज जो मेरे आसपास बैठकर के मेरे लिए रो रहे हैं ये जमाना एक बार उठ जाऊं ना अभी तो ये सारे मुझे जीने, जीने नहीं देंगे किसी को फोर्सफुली आप प्यार करा नहीं सकते आप फोर्सफुली किसी से रिस्पेक्ट पा नहीं सकते एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी एक बहुत छोटे-छोटे सोशल इशू को लेके बहुत जागरूक हो रहा है और वो ये तक कह देते हैं कि भगवान शिव जो है वो भी अर्धनारीश्वर थे तो जब उनको आप एक्सेप्ट करते हैं तो हमको क्यों नहीं करते आई एम टोटली अगेंस्ट इट बहुत सी बार ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है जैसे बीच में आपके हस्बैंड और आपको लेके गलत जो खबर थी वो इतनी फैल गई थी और फेमिनिज्म के नाम पर पूरी सड़कों पे वो स्मोकिंग करती जा रही है और फिर वो कहती है मैं किसी मर्द से कम थोड़ी हूँ जब उनपे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है किसी चीज को ओन करने की बात आती है तो फिर वो एक बोला जाता है कि फेमिनिज्म का या फीमेल कार्ड भी खेलती है तो आगे आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं ले पाएगी क्योंकि जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? लाएगी। रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है और आज के पॉडकास्ट की शुरुआत मैं करता हूं आप सबको राधे-राधे कह के राधे-राधे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं जिन्होंने महज सात साल की उम्र में मानव सेवा को ही माधव सेवा मान के अपने जीवन को जीना शुरू किया तो आज की जो गेस्ट हैं वो किसी परिचय की मोहताज तो है नहीं बहुत प्रमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट फिलमथ्रॉपरिचुअलिटी देवी जी. So आपने हमारे और हमारे के लिए समय निकाला हम बातचीत शुरू करें मेरे कुछ क्वेश्चन थे जब मुझे पता चला मुझे आपसे पॉडकास्ट करना है सात साल की उम्र में इतनी समझ तो हमें तो थी ही नहीं हमें तो अब घर वाले को लगता है अभी भी नहीं आई है बट <laughs> कैसे सात साल की एज में आपने डिसाइड किया कि आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है देखिए मैं बार बार कहती हूँ डिसीजन मेरा नहीं था ये आ, उसका निर्णय था उसको लगा कि इस मेरी जो बनाई गई दुनिया में है इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी इस जीव को यानी जो मैं हूँ उसे भी देनी चाहिए क्योंकि जैसा आपने कहा सात साल की एज बहुत कम होती है मचोरिटी के लिए तो ज़ीरो ही होती है पर अच्छी बात ये रही कि उसमें थोड़ा जो एक पुश मिलता है वो मुझे मेरी फैमिली से मिला क्योंकि वो ऑलरेडी इस आध्यात्मिक के रास्ते पर भक्ति के रास्ते पर पहले से ही चल रहे थे तो उनको इंटरेस्ट भी दिखा कि इसका है इंटरेस्ट क्योंकि कथा से पहले ही मेरी दीक्षा हो गई थी दीक्षा मीन्स इनिशिएशन जो होती है गुरु बनते तो वो चार साल की एज में हो गई थी okay. तो उन्होंने देखा कि इसका थोड़ा उधर झुकाव है रुझान है तो क्यों ना इसी तरफ आगे बढ़ाया जाए तो उन्होंने बहुत मदद करी चीज़ों को जोड़ने में बहुत हेल्प करी क्योंकि सात साल का बच्चा ना पढ़ सकता है ना उसको कोई नॉलेज है ज्ञान है तो जो भी था उस समय मैंने सुन के सीखा और जो घर में फादर थे उन्होंने जो जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ उनको सुनने मिली उन्होंने लिख के दिया कि ऐसे भजन होता है वैसे होता है तो एक उनका सपोर्ट और एक अस्तित्व यानी यूनिवर्स जो होता है भगवान जो होते हैं उनका एक साथ था

तो भटकने का कोई चांस ही नहीं था दोस्त इसलिए नहीं थे क्योंकि मोस्टली जब आप उस एज में होते तो आपके दोस्त स्कूल में बनते हैं और मेरी स्कूलिंग ही ना के बराबर रही मीन्स ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं हुई बट रेगुलरली जाना नहीं हुआ क्योंकि कथा इतनी होती थी प्रोग्राम होते थे तो उसकी वजह से आ, स्कूल जाना मेरे लिए एक फेस्टिवल के जैसा था कि जब मुझे कथा से आके पता लगता था कि मेरे पास जस्ट एक दिन है मुझे एक दिन स्कूल जाना तो मैं बड़ी खुश होती थी कल मेरा मेरे लिए वो हॉलीडे था स्कूल okay. जाना hmm. मतलब ऑपोजिट था तो टाइम कम मिला फिर ऑटोमेटिकली जब दोस्ती तो तभी होती है जब आप एक दूसरे को समय दे पाते हैं तो दोस्त थे ही नहीं और शायद आज भी मैं देखूँ तो ऐसे मेरे लाइफ में कोई विशेष दोस्ती नहीं है मुझे लगता है मेरे भगवान सबसे अच्छे दोस्त हैं कुछ अच्छे चाहने वाले हैं जिनसे अपनी बात हम शेयर कर सकते हैं तो ये चांस रहा ही नहीं कि भाई मुझे मूवी देखने जाना है या मुझे कहीं पार्टी जाना है ऐसा करना है वैसा करना है मेरे घर में ही मेरा सब परिवार ही फैमिली फ्रेंड थे और ये सब चीज़ मुझे कभी एक होता है कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो आप अपने आप को रोक रहे हो क्योंकि आपका रास्ता ये है लेकिन ऐसा नहीं था मुझे वो पसंद ही नहीं था शुरू से मैं कहती हूँ सबका एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन अलग, अलग अलग होती है मेरे लिए वो कभी से एंटरटेनमेंट नहीं था और आज भी नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े अपने आप को उन चीजों से दूर रखने के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट भी शुरू से रहा हाँ शुरू से रहा और एक गाइडेंस भी रही उनकी हो सकता है कुछ लोगों को वो अच्छी ना लगती हो कि भाई ये तो स्ट्रिक्टनेस है हाँ स्ट्रिक्ट एक लिमिट तक ही रहना चाहिए पेरेंट्स को क्योंकि उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर एक कोर्ट मैंने कहीं पढ़ी थी कि आ, एक्सट्रीम जो स्टिक पेरेंट्स होते हैं दे रेज द बेस्ट लायर्स क्योंकि आ, फिर वो झूठ बोलना शुरू कर देता है हर बात को छुपाना शुरू कर देता है तो मर्यादा तो होनी चाहिए लेकिन एक लिमिट तक होनी चाहिए तो वो उन्होंने मुझे आज़ादी भी दी और लिमिट भी रखी तो मुझे लगता है आज वो मेरी लाइफ में बहुत बड़ी मजबूती का काम करती है कि आज मैं दुनिया में कहीं भी घूमू सारे वर्ल्ड में, में मेरा जाना होता है सारी हर तरह की दुनिया देखने को मिलती है बट मेरा मन कभी उस तरफ जाता नहीं। जाता नहीं है

बच्चा जो मैं भी फील करती हूँ सारे लोग फील करेंगे कि हमारे पास आ, स्ट्रिक्ट होने के लिए स्कूल में टीचर्स हैं बहुत हार्श होने के लिए हमारे पास दुनिया है तो एटलीस्ट हमें घर में पेरेंट्स ऐसे चाहिए जो हमारी अच्छाई हमारी बुराई को बहुत ईजीली एक्सेप्ट कर लें अगर हमारी बुराइयाँ भी हैं होगी हर बच्ची में होगी तो उस बुराई को उसको समझा कर के सॉल्व करें ना कि जज बनकर पेरेंट्स को कभी भी जज नहीं बनना चाहिए अगर आप जज बन जाएंगे तो आप फिर बस स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास करेंगे जैसे जज करता ऑर्डर 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 पर ये घर में नहीं चलेगा ये पेरेंट्स के साथ नहीं चलेगा अक्सर लोग कहते हैं कि पेरेंट्स दोस्त जैसे होने चाहिए ठीक है वो भी मैं मानती हूँ बट उसकी भी एक लिमिट ही होती है मतलब दोस्त तो ये है कि भई अच्छा ठीक है स्मोकिंग कर रहा तू भी बैठ मेरे साथ वो आप आप एक मर्यादा तो रखनी पड़ती है बट हाँ पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए बच्चों के साथ एक दोस्ती हो और एन एग्जाम्पल एक, एक बच्चा आता है आकर के आपको बताता है कि आज मैंने आ, स्कूल बंक किया क्लास बंक करी या मैंने आ, स्मोकिंग की तो जो पेरेंट होगा वो सीधा उसको डांटना शुरू करेगा उसने डांटा अब वो अगले दिन अपने दोस्त से मिला उसने दोस्त को भी ये बात बताई कि ऐसे ऐसे मैंने वो किया उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया उसने कहा कोई बात नहीं होता है आगे से देख लेंगे या नहीं करना या करना जो भी उसे समझा दिए अब उसे क्या लगता है कि पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते और बाहर के दोस्त उसे एक्सेप्ट करते।, करते इसलिए वो यहाँ से ज़्यादा वहां कनेक्ट हो जाता है जल्दी तो एक्सेप्ट करना सीखिए वहाँ बच्चे की गलतियों को भी आप मैं ये नहीं कहती सुधारना नहीं है बट उसका एक वे है एक तरीका है कि आप समझा करके ना कि डांट करके तो ये चीज़ अगर पेरेंट्स समझेंगे तो रिश्ता जो आज बिगड़ रहा है बहुत ज़्यादा बिगड़ता है तो उसको संभालने में बच्चे भी एक आ, कदम आगे बढ़ाएंगे और पेरेंट्स भी अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा स्टेबल हो जाए जैसा आपने कहा कि आप जब सात साल के थे तो आपका भी ध्यान आपका रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा था पर आजकल ऐसा देखा जाता है कि आपाधापी की दुनिया में ना हमारे जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे सपने बहुत रहते हैं फिर दुनियादारी में आते आते हम अपने सपनों को अगले जन्म में टाल देते हैं और फिर जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम वो सारी उम्मीद सारे सपने हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करने लगते हैं पर वो कुछ और करना चाहता है और फिर वहां एक द्वंद्व शुरू हो जाता है तो व्हाट्स योर टेक एंड सजेशन उन माँ बाप के लिए जो बहुत सी बार अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों पे लाद देते हैं आई एम टोटली अगेंस्ट इट आप ये सोचिए फर्स्ट थिंग इज आप पेरेंट्स हैं पेरेंट्स मीन्स आपको भगवान ने एक माध्यम बनाया है एक इंडिविजुअल जो जीव है एक ह्यूमन बींग है उसको इस धरती पर लाने का दैट्स से आपको भगवान ने एक बीच का एक कड़ी बनाई है बीच का एक रीज़न बनाया है आप उसके ओनर नहीं हो मालिक नहीं हो मालिक वही है उस जीव का लेकिन आपके थ्रू आया है इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको सही गलत का रास्ता बताना बट बत अपने सपनों को उस पर लादना या फोर्स करना प्रेशराइज़ करना जो हम नहीं बन पाए वो तुम बन जाओ ये एकदम गलत है क्योंकि वो बच्चा अपने पास्ट कर्म लेके आया है प्रेजेंट के कर्म कर रहा है वो भी है उसके और उसी के थ्रू वो अपना भविष्य निर्माण करता है उसका फ्यूचर बनता है और आप चाह रहे हैं कि नहीं जैसा मैं चाहता हूँ जो सब्जेक्ट मैं चाहता हूँ टेंथ तक आते आते घर में वही द्वंद शुरू हो जाता है कि मैं चाहता हूँ साइंस लेना है तो साइंस ही लेना है पर बच्चा आर्ट्स में रुचि रखता है अच्छा चलिए आपके फोर्स में उसने साइंस ले भी लिया वो पैसे कमाने भी लगा उस वो बहुत नाम भी कमा लिया लेकिन आप क्या करोगे अगर वो रात को सोते समय रो रहा हो वो दुखी हो कि ये जो मैं नहीं बनना चाहता था मैं वो बन गया क्या ये चाहते हैं आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए कि आपके जाने के बाद भी वो याद करे कि मेरे माता पिता ने जो मैं चाहता था वो बनने नहीं दिया वो करने नहीं दिया पूरा लाइफ पूरा जीवन आपको दोष देगा और फिर वो भी आगे वैसे ही करेगा फिर वो, तो वो अपने बच... रिवेंज एक शुरू हो जाता मोस्टली हो 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 होना ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि जब आप उस दौर से गुजर चुके हो तो आपको तो चेंज होना चाहिए बट एक मेंटेलिटी बन जाती है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई नई बहू आती है उसके साथ घर में सास बुरा बिहेव करती है तो वो अपनी बहू के साथ शुरू कर देती वो ये नहीं सोचती अरे मुझे कैसा फील होता था तो ये चीज़ें बहुत गलत है हर एक बच्चे को आज़ादी देनी चाहिए उसका फ्यूचर डिसाइड करने की गाइड आप करते रहिए बट उस पर आप चॉइस डाल दीजिए किसी को म्यूज़िक में रुचि है म्यूज़िक में वो बहुत ज़्यादा पैसा ना भी कमा पाया लेकिन कम से कम दिल से खुश रहेगा उसे पता होगा ये डिसीज़न मेरा था तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी मेरे ही, ही हैं मतलब मैं परेशान भी हूँ तो मेरी वजह से हूँ मैं एटलीस्ट आपको दोष तो नहीं दूंगा तो ये चीज़ अगर अर्ली uh, एज में पेरेंट्स समझ जाते हैं तो मुझे लगता है बच्चों से आपका रिश्ता मजबूत भी हो जाएगा uh, किसी को फोर्सफुली आप प्यार करा नहीं सकते आप फोर्सफुली किसी से रिस्पेक्ट पा नहीं सकते आपको ऐसे एक्शंस करने पड़ते हैं कि सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करता है तो वो अगर पेरेंट्स समझ जाएं तो दोनों का रिश्ता कभी भी ट्रैक से भटकेगा नहीं so, सो जैसे आप कथाएं करती हैं तो बहुत सी बार ऐसा होता होगा क्योंकि हिंदुस्तान में होता है कि जो कथा कर रहे हैं उनको भी ईश्वर तुल्य समझते हैं मानते हैं जी तो बहुत सी बार लोग आपके पास भी आते होंगे कि देवी जी हमारी ये प्रॉब्लम है हमको ये ठीक कर दीजिए ये दिला दीजिए वैसा तो वॉट यू थिंक कि आप उस समय कैसे डील करते हैं एंड डू यू फील आपके पास कुछ ऐसा पावर है जिससे आप उनको उस चीज से निजात दिला सके हाँ बिल्कुल मेरे पास एक ही पावर है मैं उनसे कहती हूँ अपने कर्म सही करिए अगर आप कुछ परेशान हो इट मीन्स आपकी लाइफ में कुछ आप गलत कर रहे हो उसको ठीक करिए एंड सेकेंड थिंग इस भगवान का नाम लीजिए सबसे पावरफुल है आप वो लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन के जितने भी संघर्ष हैं वो ख़त्म नहीं होंगे मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कोई आए और ये कहे हमारे दुख दूर कर दो मैं कहती हूँ दुख दूर कोई भी नहीं कर सकता लेकिन अगर आप डिवोशनली भगवान से कनेक्ट हो जाओगे तो आपको दुखों के सहने की शक्ति आ जाएगी पावर आ जाएगी दुख, दुख दूर होना इज इम्पॉसिबल ये हो ही नहीं सकता इस दुनिया में गीता में कृष्ण ने कहा है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दुनिया के दो उन्होंने स्टेज बताएं लेवल बताएं दुखाल्यम असाश्वतम ये संसार फर्स्ट इज दुखालय दुखालय मतलब दुखों का घर है अब आप दुखालय में सुख की आशा करोगे तो मूर्खता है तो दुखालय में सेकेंड इज असाश्वतम, मतलब ये हर टाइम बदल सकता है ये चेंजेबल है कभी भी यहाँ कोई भी स्थिति सिचुएशन बदल सकती है आज है कल खराब होगी कल खराब है परसों ठीक होगी तो ये दो दुनिया के रूल है और आप अगर किसी मेरे जैसे प्रवक्ता या संतों के पास जा रहे हो और आप उनसे कुछ चमत्कार की आशा लेकर ही जा रहे हो आप बहुत गलत हो आप कोई भी दुनिया का चमत्कार आपके जीवन को ठीक नहीं कर सकता आपके जीवन को आप ही ठीक कर सकते हो तो ये पहली चीज़ तो अंधविश्वास के चक्कर में कि भाई कोई धागा दे दे कोई मंत्र फूंक दे कान में कोई ताबीज दे दे इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए अपने कर्मों पे भरोसा रखें। अगर आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलते हो इतना ज़रूर उनसे कहिए कि सिचुएशन ख़राब है मैं बहुत परेशान हूँ आप थोड़ी मुझे सहन शक्ति के लिए कुछ रास्ता बताइए ताकि मैं अपने माइंड को स्टेबल कर सकूं। तो लोग बहुत आते हैं मेरे पास पर मैंने भगवान की कृपा से आज तक या ये कह लीजिए मेरे गुरु ने जो सिखाया है कि कभी भी किसी को लालच मत देना कि मेरे पास आ जाओगे तो मैं ये कर दूं मैं वो कर दूं आ, लालच से आ जाएगा आ, लेकिन उसका लालच पूरा नहीं हुआ तो दोबारा घूम के तुम्हारे पास नहीं आने वाला सच्चाई बताओ आए ना आए भीड़ इकट्ठा करने से कोई काम नहीं बनता और सच्चाई यही है कि यहाँ सारी दुनिया अपने कर्मों का फल भोगती है तो अगर दुखी हो तो अपने कर्म बदलिए जैसे बहुत सी बार होता है बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा बुरा नहीं किया लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा हुए जा रहा है तो क्या जो कर्म है वो पूर्व पूरे कर्म आते रहेंगे या इस जन्म में भी जो लोग कर्म कर रहे हैं तो उसका फल ऐसा क्यों नहीं मिलता लोगों को बहुत सी बार फिर उनका इस बिलीव से इस कॉन्सेप्ट से ईश्वर से विश्वास जो है ना वो डगमगाने लगता है तो अलग अलग जगह अलग अलग कर्म को लेके भी कॉन्सेप्ट है व्हाट्स योर कि यार कर्म का कॉन्सेप्ट एक्चुअली कैसे काम करता है कर्म का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल एक प्रोवर्ब है कि एज यू सो सो यू री जो बोगे सो पाओगे ये ही कर्म का कॉन्सेप्ट है इससे ना एक, एक परसेंट इधर है ना उधर है आप कहोगे जैसे आपने कहा भाई मैं तो बुरा नहीं करता बट मैं ये कहती हूँ कि आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आप बुरा नहीं करते हो ऐसा नहीं है कि हम बुरा नहीं करते इस दुनिया में कोई साधु पैदा नहीं हुआ अगर कोई संत भी है बहुत बड़ा महापुरुष भी है तो उससे भी लाइफ में कभी ना कभी कोई चूक होती है गलतियां होती है उसको उसको सुधारना पड़ता है और आप कह रहे हो आप ना तो आ, डिवोशनली इन्वॉल्व हो ना आप कोई स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो और आप कहते हो मैं गलत नहीं करता ऐसा नहीं हो सकता गलत हो रहा है तभी मिल रहा है बिना गलत किए भगवान का जो जजमेंट है या कर्मों का जो न्याय है दुनिया की कोई भी न्यायालय गलत हो सकती है पर उसका न्यायालय कभी गलत नहीं होता यहाँ पितामह भीष्म को एक छोटे से कीड़े को कांटे पर डालने के रिजल्ट में बाणों पर सोना पड़ा पितामह भीष्म ने भगवान से पूछा कि वही सेम क्वेश्चन कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं मैंने तो सारे जीवन अच्छा किया है फिर मेरे साथ ऐसा क्यों और मेरे पास तो ये पावर है मैंने पिछले पचास जन्म देखे मैंने कुछ पचास जन्मों में गलत नहीं किया तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा के कहा पचास देखे इक्यावनवा देखा तो उन्होंने कहा नहीं वो तो मैंने नहीं देखा बोले वो मैंने देखा है जब तू छोटा था तो तूने जाके कीड़े को लेकर के एक कांटे पे लिटा दिया था और आज तुझे उसी के फल में यह मिल रहा है तो आप सोचो पचास जन्म पुरानी जो हमारे कर्म हैं वो आज हमको मिल रहे हैं और हम कहते हैं हमने तो कुछ गलत किया नहीं हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है इसमें कर्मों का सिद्धांत है कि आपको अपने पिछले जन्मों का भी इकट्ठा होकर मिलता है जैसे आपने कहा कि छोटा सा कर्म था कि उन्होंने उनको लेटाया और उनको इतना बड़ा उसका रिजल्ट मिला तो ये अच्छे कर्मों में भी एप्लीकेबल होता, होता, है, है, है कि है? आपने भी थोड़ा भी।, भी किसी के लिए अच्छा किया तो वो आपको कई गुना होके तो प्रैक्टिस करती है जिससे आपके कर्म जो बल है या कर्म का जो घड़ा है वो बढ़ता जाए इतना पावरफुल और पॉजिटिव होते जाए कि आने वाले समय में आपको उसका हजार गुना फल मिले देखो मेरे पास दो ही चीज है एक भक्ति और एक सर्विस और ये दो चीज़ मुझे अंदर से स्ट्रांग बनाती है और मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट वे है अपने कर्मों को सुधारने का फर्स्ट इज डिवोशन मैं इससे मुझे कोई कहे मैं भगवान को नहीं मानता मुझे ये नहीं है मैं अच्छा इंसान बन जाऊँ बस इतना काफ़ी है मैं इस थिंकिंग को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि अच्छे इंसान आप तभी बनते हो जब आप भीतर से अंदर से स्परिचुअल होते हो अच्छे इंसान बनने के लिए आपको एक प्रैक्टिस चाहिए होती है सबको पता झूठ नहीं बोलना चाहिए बट कितने लोग नहीं बोलते वो तभी आपकी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे जब आपकी लाइफ में एक प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस मतलब भक्ति की प्रैक्टिस तो मुझे लगता है फर्स्ट इज़ मेरे लिए भक्ति है जो मुझे मेरे अच्छे कर्मों की ओर लेके जा रही है एंड सेकेंड इज सर्विस सेवा किसी की भी सेवा आप इतना बड़ा भगवान अगर दुनिया बना रहे हैं और उसमें इतने इंसानों को भगवान बना रहे हैं तो बिना रीज़न के तो नहीं बनाया होगा उन्होंने और रीज़न मेरी समझ में यही आया है कि भगवान ने हमें इसलिए बनाया है कि मेरी इतनी सुंदर दुनिया है तुम एक दूसरे का सहयोगी बनो एक दूसरे की मदद करो तुम अगर फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो तो फाइनेंशियली मदद करो अगर आप कोई आपके पास टैलेंट है उससे हेल्प करो जैसे फॉर मेरे पास जो टैलेंट है वो है बोलना वाणी तो मैं उस वाणी को उस गुण को आ, समाज की सेवा और भगवान की सेवा दोनों में लगा रही हूँ किसी के पास गाने की है तो गाने से सोसाइटी में कुछ चेंज लाइए डांसिंग है आर्ट कोई भी आर्ट है कोई भी आप उसको सेवा में लगाइए तो ये समाज की सर्विस और आज का यूथ जो तो यंग जनरेशन है अगर मैं उससे कहूँ कि भाई तुम सीधे एकदम भक्त तो बन जाओ तो दूसरे दिन से मुझे सुनना बंद कर देंगे क्योंकि शायद उन्हें टफ लगता है हाँ। कि भाई भक्ति कैसे हमारे तो ये है ही नहीं हमारा तो जर्नर है ही नहीं बट मैं कहती हूँ भक्ति में एंट्री करनी है आज के यंग यूथ को तो थ्रू सर्विस करिए सर्विस इन दी सेंस कि अपनी लाइफ में एक टाइम रखिए जहाँ आप कोई ऐसी जगह हो जहाँ ऐसी सेवा हो रही हो वहाँ वॉल्टियर करिए आप कोई ऑफन एज है कोई ओल्ड एज होम है कोई गौशाला है ऐसी जो जगह होती है वहाँ जाइए अब वहाँ जाके जब सर्विस करोगे ना जब बच्चों को आप सिखाओगे कि यहाँ जाना है आपको ऑटोमेटिकली उनके भीतर तो स्पिरिचुअलिटी आएगी भक्ति आएगी क्योंकि ये सेवा आपको अपने आप आध्यात्मिक बनाती है तो अगर मेरी नज़र में दो हैं और कोई और भी अगर इस तरीके से करना चाहिए चाहता है तो इन दो रास्तों पे चलना चाहिए बहुत सी बार बहुत से स्पीकर या बहुत से प्रीचर ऐसा कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी अलग है और धर्म अलग है तो आप कैसे देखते हैं क्या स्पिरिचुअलिटी और धर्म एक है या वो दोनों अलग है मेरे लिए एक है एक देखो है। वो तर्क देना और तिनके में से तिनका निकालना मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है धर्म भी हमको कहीं ना कहीं जीना सिखाता है और आध्यात्मिकता जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी हमें जीना सिखाती है अब आप कह दे तो नहीं मैं तो स्पिरिचुअल हूँ मैं पर रिलीजियस नहीं ऐसा हाँ। नहीं हो सकता धर्म केवल रिचुअल्स नहीं है कि भाई मैं तो हाँ मंदिर नहीं जाता पर मैं आध्यात्मिक हूँ नहीं ये कभी मेरे दिमाग में अभी तक कोई ये बात कभी फिट नहीं हुई क्योंकि रिचुअल्स ट्रेडिशन जो होते हैं जो हमारे स्पेशली हमारे भारत देश में जो आते हैं ये कहीं ना कहीं हमको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने के लिए बने अध्यात्म से जोड़ने के लिए बने अब मान लीजिए हमको कहा जा रहा है कि आपको सुबह उठ कर के चिड़ियों को दाना डालना है गर्मी चल रही है एक पॉट में पानी रख दो ये क्या है आप इसको क्या कहोगे आप इसको स्पिरिचुअलिटी कहोगे धर्म को मेरे लिए दोनों है क्योंकि ये धर्म है आप एक दूसरे जीव की सेवा कर रहे हो ये आध्यात्मिकता भी है क्योंकि उसके रिजल्ट में आपके भीतर बदलाव आएगा पॉजिटिविटी आएगी और भारत में तो जन्म लेते ही बच्चे को धार्मिक बना दिया जाता है अगर मैं यहाँ भी बैठी हूँ कोई भगवान को माने ना माने पर अगर गलती से मेरा पैर किसी के पैर से टच हो गया तो हम ऐसे प्रणाम कर लेते इट मीन्स हम मानते कि इसमें भगवान है हम उस आदमी को प्रणाम नहीं कर रहे बचपन में जो कोई छोटी सी कॉपी गिर जाती है हमसे नीचे तो उसको उठा के ऐसे माथे पर लगाते बोले विद्या माता है पैसा गिर जाए तो उसको उठा करके हम माथे पे लगाते ये धर्म है या आध्यात्मिकता है और ये हमारे खून में ये हमारी नसों में इसके लिए हमको क्यों क्यों क्लास नहीं लेनी पड़ी ये हमको ऑटोमेटिकली हेरिटेज uh, में मिली है और इसके लिए हम बहुत आई I मीन mean, बहुत थैंकफुल होने चाहिए कि भगवान ने हमको एक ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ देश को भी माँ कहते हैं तो धर्म और आध्यात्मिकता मेरी नज़र में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इनको अलग नहीं बनाना चाहिए धार्मिक हो आप गर्व से कहो मैं धार्मिक हूँ मैं आध्यात्मिक हूँ दोनों का एक ही अर्थ है जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक सास होती है फिर वो अगर कोई ट्रॉमा झेली है तो वो आगे वो पॉस ऑन करती है वो वैसे व्यवहार करती है आप क्योंकि इतना ट्रैवलिंग रहता है आपके फिलंसॉफी वर्क भी चलते हैं आपकी कथाएं चलती है फैमिली लाइफ और ये अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आप बैलेंस कैसे करते हो क्योंकि ठीक है आपके हस्बैंड आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन बाकी के भी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशंस रहती होंगी आपसे तो एज एन इंडिविजुअल वो आप कैसे बैलेंस करते हो नहीं यहाँ मुझे ऐसा लगता है यहाँ थोड़ा सा लक काम आता है लक इन द सेंस लक भी कोई दिया गया प्रोडक्ट नहीं है नहीं। वो भी कोई पिछली मेरे कर्म होंगे जो एज अ लक के रूप में आते बट इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैमिली सपोर्टिव हो समझ उनको समझना ज़रूरी है क्योंकि वो नहीं समझेंगे तो मैं लाख कोशिश करूँ मैं लाख बताऊँ तो मेरा वो रिश्ता कभी ठीक हो ही नहीं सकता तो इन दैट केस मुझे लगता है भगवान ने बहुत कृपा करी बिफोर मैरिज भी मेरा जो पूरा फैमिली है उन्होंने अपना सब काम छोड़ करके सिर्फ मुझे सपोर्ट किया सिर्फ मुझे आगे बढ़ाया और आफ्टर मैरिज भी जो मुझे फैमिली मिली उन्होंने भी सब कुछ छोड़ करके मुझे आगे बढ़ाया है तो कभी भी वो एक मिसमैच वाली सिचुएशन आई नहीं आ, भगवान की कृपा से और ये फैमिली को समझना पड़ेगा हर एक फैमिली को स्पेशली जब कोई लड़की हो इन दैट केस थोड़ा सा लोग को झिझक हो जाती है कि भाई इसको कैसे सब कुछ इस पर छोड़ दें या परिवार का भार छोड़ दें वहाँ लोग थोड़े झिझकते हैं सास भी होगी तो वो माँ भी होगी तो वो बट ऐसा नहीं होना चाहिए आपको चांस देना चाहिए लड़कियों को चांस देना चाहिए बेटा है उसको चांस सबको घर का जो परिवार का है आ, कभी ऐसा हो जाए किसी की लाइफ में कि फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो फर्स्ट थिंग इज़ तो देखो समझाना जितना हमारे पास आ, समझ है उससे समझाने की कोशिश करिए कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा कर रही आपका ही नाम होगा आपका ही परिवार आगे बढ़ेगा और अगर एट दी एंड कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है और बिल्कुल ही नहीं मानता तो फिर मुझे लगता है कि फिर अपने काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए बिफोर रिश्ते क्योंकि आप कहीं ना कहीं अकेले आए हो दुनिया में हाँ गलत काम कर रहे हो तो नहीं अगर आपको पता है कि आपका काम सही है उससे आपका भी और समाज का भी कुछ हित हो रहा है तो उसके लिए अगर थोड़ा सा अगेंस्ट भी जाना पड़े तो आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ गलत है क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो दैट्स आप सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव है आपके मिलियंस फॉलोअर्स एंड एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज जाते हैं बहुत सी बार ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है जैसे बीच में आपके हस्बैंड और आपको लेके गलत जो खबर थी वो इतनी फैल गई थी तो उस समय आपका रिएक्शन कैसा था और आपने उसको हैंडल कैसे किया ट्रोलिंग को आप कैसे देख रहे थे आ, देखो सच्चाई तो यह है कि आ, उस ट्रोलिंग से पहले लाइफ में ट्रोलिंग हमेशा रही है बट एक छोटी मोटी रही है कोई एक इतना बड़ा मेजर कुछ नहीं रहा छोटी मोटी बातें थी बट वो आई थिंक मेरी लाइफ की पहली एक बहुत बड़ी और एकदम झूठ पे आधारित पहली चीज़ तो यह है कि अगर उसमें एक आध परसेंट सच्चाई तो आप भी सोचते अरे हो सकता बट वो तो टोटली फेक था, था। तो लॉकडाउन का टाइम था वो उस समय और तब ये ट्रोलिंग शुरू हुई थी उस टाइम थोड़ा दुख लगा था अफकोर्स इंसान है तो लगता है कि Uh, मैंने जीवन भर बस भगवान का नाम प्रसार किया और मुझे उसके एकदम अगेंस्ट पेश किया जा रहा है तो कुछ मेरे जो बहुत दिल के करीब हैं अच्छे पद पे लोग बैठे मैंने सबसे बात करी सबसे एडवाइस एडवाइज़ ली कि थोड़ा परेशान हूँ क्या करना चाहिए तो सब ने बताया अपने अपने एक्सपीरियंस से कि ये तो बस स्टार्टिंग है अगर इस रास्ते पे चल रहे हो तो ऐसा ऐसा सुनने को मिलेगा कि मन करेगा कि ये दुनिया छोड़ के कहीं भाग जाए <laughs> तो वो चीज़ उस समय थोड़ी सी इफेक्ट किया था बट उसके बाद अगर मैं बात करूं और ये बात फिर मैं इसलिए कहती हूँ कि लाइफ में क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपको बहुत लाइफ में डेप्थ देता है बहुत सीरियस बना देता है इन अ पॉजिटिव वे आपको इतना भीतर से मजबूत बना देता है कि आप हर कहीं हर किसी से सामना करने के लिए तैयार हो जाते हो और मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा वो ड्रास्टिक चेंज था बहुत बड़ी बात नहीं मुझे पता है कि फेक न्यूज़ है बट उसने मुझे अंदर से इतना मजबूत कर दिया कि आज मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ मतलब हर रोज कोई ट्रोल करे हर रोज़ कोई मुझे फेक न्यूज़ करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है नाम है तो बदनामी तो होगी नाम कमाया है प्रशंसा है तो फिर आलोचनाएं तो होंगी ही और ये दोनों लाइफ का एक पार्ट है ये पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे निकलना ये आर्ट ऑफ लाइफ है क्रिटिसिज्म से निकलने के लिए आपको एक आर्ट आनी चाहिए कि भाई आलोचना है निंदाएं है ये दुनिया की रीत है मैं एक बहुत फेमस कोर्ट है और वो मैं बहुत बार कहती हूँ कि दुनिया की यही रीत है पीठ पीछे सब दोगले आगे सब स्वीट है क्या बात है <laughs> तो वो लोग मैंने भी ऐसे देखे कई बार मुझे मुझे किसी ने दिखाया कि सोशल मीडिया पे आपको नेगेटिव कमेंट कर रहा वही जब मेरे सामने आता है जी जी हम आपको बहुत सुनते हैं हम आपको बहुत फॉलो करते हैं उसको देख के लगा कि पहली बात तो दुनिया पे कभी भरोसा मत करो ये कब हाथ जोड़ने वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे नहीं पता तो इस घमंड में कभी मत रहो कि भाई मेरे इतने फॉलोअर्स हैं मुझे इतने चाहने वाले नहीं अपने रखो, आप आप को रखो अकेले ही आपके साथी हो आप अकेले ही आपके फैन हो आप अकेले ही आपके फॉलोअर्स हो तो अपना साथ अपने आप कर दीजिए दूसरों पे ज्यादा डिपेंड नहीं, नहीं होना चाहिए क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो ऐसा हो गया जब वो कोई पोस्ट करता है चीजें तो उसके चेहरे की खुशी या अंतर खुशी जो होती है वो डिपेंड करती है कि अगले दो तीन घंटे में लाइक्स कितने आ गए और बहुत से लोग हमेशा ये स्टोरी डालते रहते हैं कि यार हमारी स्टोरी को तो हजार दो हजार लोग देख लेते हैं बट जब हम पोस्ट डालते हैं तो पचास लोग भी लाइक नहीं करते तो वही यूथ जो है जो इतना हैप्पी दिखने में लगा है सोशल मीडिया में आप भी बहुत से इन्फ्लुएंसेस से मिलती होंगी तो एक फेकनेस तो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में दिखता है वो वैसा है नहीं और जिसके कारण एक वर्ड इंडिया में भारत में सबसे ज्यादा आजकल ट्रेंड कर रहे हैं और लोग जेन्यूनली शिकार हो गए वह है डिप्रेशन और एंग्जाइटी मतलब हर यूथ को देखो तो वो बोलने लग गया है कि मैं डिप्रेशन में हूं मैं एंग्जाइटी फील कर रहा हूँ तो ऐसी सिचुएशन आपकी भी लाइफ में आती होंगी आपकी भक्तियां जो आपसे मिलते होंगे तो कुछ तो बेसिक ऐसे क्या चीजें हो सकती जो बताया गया है कि आप ये डिप्रेशन और से बाहर आ सकते हैं देखिए मुझे लगता है पहली चीज तो जो अभी अभी मैंने बात बोली ना डिप्रेशन पे लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वो दूसरे पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं डिपेंडेंट इन दी सेंस इमोशनली उनकी खुशी दूसरों के रिएक्शन पे डिपेंड करती है अगर सामने वाले ने आके दो उनको उल्टे शब्द बोल दिए तो वो डिप्रेस हो जाएंगे अगर उनको खुश है होना है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट वो भी दूसरे की वजह से होगी हर चीज़ उनकी लाइफ की दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने आप पर वो डिपेंडेंट नहीं है और यही कारण है कि दुनिया को आप कंट्रोल तो कभी नहीं कर सकते दुनिया के रिएक्शंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते और आप चाहते कि दुनिया की रिएक्शंस आपको खुशियाँ दें आप स्टोरी डाल रहे हो आप पोस्ट डाल रहे हो क्यों क्योंकि आपको वहाँ से लोगों का रिएक्शन चाहिए और अच्छा चाहिए कि वाह क्या कमाल कर दिया तुम अगर वो नहीं मिलेगा तो आपने जो वो पोस्ट या जो भी चीज़ डाली आपके लिए उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई आपने जो मेहनत करी आपने वो जो आ, काम किया इसका मतलब आप अपने काम से प्यार नहीं करते अगर काम से प्यार करते तो आपके लिए खुशी वो देता कि मैंने मेहनत करी मैंने काम किया वीडियो बनाई मैंने डाला अब कितनों ने देखा कितनों ने नहीं देखा ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा देखेंगे तो खुशी, खुशी होगी हो बट हो नहीं देखेंगे तो भी आपको निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने अपना हंड्रेड परसेंट दिया आपने अपनी मेहनत की एग्जैक्ट सेम ये रिश्तों में भी इम्प्लीमेंट होता है आप अपनी तरफ से रिश्ता पूरी तरीके से निभा रहे हो सामने वाला होगा जो कई बार रिस्पॉन्स ठीक नहीं देगा जो आप चाहते हो वैसा सामने से रिएक्शन नहीं आएगा तो क्या डिप्रेस हो जाए क्या जीना छोड़ रिश्ते टूट जाते तो रिश्ते टूटते हैं और पहली बात तो आपको यह समझना होगा देखो दुनिया का हर रिश्ता जो होता है वो अपनी मर्जी से चलता है सामने वाले से आप मैं जैसा चाहता हूँ वैसा फोर्सफुली करा नहीं सकते आप कंडीशंस नहीं रख सकते रिश्तों में आपको ये लिस्ट बना के नहीं दे सकते कि टू डू लिस्ट ये आपको ये 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 आज ही बता दो जैसे कोई आज की बात करें तो कोई शादी करने जा रहा है तो उनकी पहले से लिस्ट, लिस्ट तैयार होती है लड़कियों की ख्वाहिश रहती है हाँ। लड़कों की अलग ख्वाहिश रहती है एक्सपेक्टेशन तो इसमें वो टिक लगा दो ये थोड़ी होता है भाई सिचुएशन बदलेंगी तो आज शायद जिसको टिक लगा रहे हो वो चेंज भी हो सकता है आपको फ्लेक्सीबल होना पड़ता है रिश्ते निभाने का बेस्ट पार्ट इज फ्लेक्सिबल होना शायद यही कारण है कि अब रिश्ते ज़्यादा टूटने लग गए हैं पहले की हाँ क्योंकि सब सब एकदम सबके भीतर एक फमनेस आ चुकी है दे चेंज एक आदत भी नहीं बदलना चाहते मैं ये नहीं कहती कि अपना अस्तित्व किसी के लिए बदल दो मतलब अपना जो आपका जीने का तरीका है जो आप चाहते हो वो नहीं बट कुछ कुछ चीजें अगर संसार के रिश्ते जो हैं वो अगर निभाने तो ऑटोमेटिकली हमको थोड़ा चेंज करना पड़ता है ठीक है आप तो बड़ी लकी रही कि आपको एक ऐसी फैमिली मिली शादी के पहले और शादी के बाद जिन्होंने आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और आपकी चीजों में आपका सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए आजकल देखने को मिलता है कि जो लड़कियां हैं वो अपने करियर को लेकर इतनी एंथुजियाटिक है और हो सकता है उनका हस्बैंड बहुत कमा रहा हो लेकिन वो अगर कम कमा रही है तो भी उनको लगता है कि मैं जॉब में रहा वहां सिक्योरिटी रहे और अलग अलग शहरों में पूरी जिंदगी वैसे निकाल देते हैं लोग कि तुम यहां हम वहां जाने हो कहा उसके बाद भी फिर वो फील नहीं रहता रिश्तों को लेकर तो आपको क्या लगता है कि एक अच्छे लाइफ के लिए ताकि फिर जो आने, वाली जनरेशन है वो फिर आप क्या संस्कार दोगे फिर वहां पे लॉयल्टी वाली चीजें कम हो जाती है तो आपके हिसाब से प्रेम कैसा नहीं कि प्रेम के साथ साथ आप क्योंकि करियर को भी आपको बैलेंस करना है और परिवार को भी लेकिन जब सेक्रीफाइस की बात आती है तो लोग हमेशा परिवार पहले सेक्रीफाइस करते हैं अपने करियर को नहीं करते What's your take? थोड़ा टफ है लेकिन देखो हर लड़की को अपना एक करियर तो रखना ही चाहिए इसमें कोई मैं कोई नहीं होती कुछ बोलने वाली लेकिन जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही बीच में कि फिर आप आगे आने वाले जो पीढ़ी है उसको क्या दोगे वहाँ तो आपको थोड़ा सा अगर सेक्रीफाइज अपने सपने को करना पड़े तो आपको करना चाहिए मैं ये नहीं कहती कि आ, अपना जीवन ही मिटा दीजिए क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारी लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं बट फैमिली चॉइस देती नहीं है लेकिन इतना भी नहीं अंधे हो जाइए कि आपको यही याद ना रहे कि मुझे मेरा एक परिवार भी है उसको साथ ले चलना है उसको संग ले चलना है फॉर एन एग्जाम्पल एक लड़का जैसे एक लड़का होता है वो अपना काम भी करता है परिवार को भी साथ लेके चलता है तो वो चल इसलिए पा रहा है उसका रीज़न भी ऑफकोर्स ये है कि उसकी जो वाइफ है या परिवार है जो फीमेल्स हैं उसको सपोर्ट करें एग्जैक्ट सेम वे में अगर कोई फीमेल करती है तो आई थिंक मेल को चाहे वो फादर हो घर का या पति हो बेटा सपोर्ट करना चाहिए तो इससे आपका खुद का जो लाइफ है वो बैलेंस में चलेगी लेकिन करियर ज़रूर बनाइए आगे बढ़िए मैं खुद एक ऐसे क्षेत्र में हूँ जहाँ मुझे आगे बढ़ना है लेकिन जैसा आज मेट्रो सिटीज़ में देखा जाता है कभी कभार आ, इस करियर के नाम पर हम कुछ अमर्यादित चीज़ें करते हैं और वो फिर आगे आने वाली पीढ़ी को आपके जो बच्चे हैं उनको परेशान करेगी एक कोर्ट में कथा में कहती हूँ बस हो सकता है इससे कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाए, स्पेशली लड़कियाँ बट है एक कोर्ट जिसमें कहते हैं कि आ, आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी आगे आने वाली पीढ़ी माँ के आँचल का सुख नहीं ले पाएगी पहले के ज़माने में सबसे ज़्यादा सुकून लोग कहते थे माँ के आँचल में मिलता है, है। कोई दुखी परेशान आया माँ ने बिठाया गोदी में ठीक हो गया तो आगे आने वाली पीढ़ी माँ के आँचल का सुख नहीं ले पाएगी क्योंकि जीन्स पहनने वाली माँ आँचल कहाँ से लाएगी, लाएगी। तो उसके पास है ही नहीं मैं ये नहीं कहती कि आप जो आज का टाइम है उसके साथ मत चलिए चलना पड़ेगा क्योंकि टाइम की मांग है लेकिन अपने जो कल्चर है उसको भी तो मत भूलिए उसको मिटा दोगे तो फिर आप जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो वो आपको फर वही लेके जाएगा डिप्रेशन एन्जाइटी आपके पास पैसा बहुत होगा आपके पास नाम बहुत होगा पर एक जो अंदर का सुकून है वो नहीं होगा उसके लिए तो आपको थोड़ा सा अपने चलना जैसे कहा जाता है ना ने और महिला दोनों को बनाया और दोनों की अपनी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बहुत सी बार देखा जाता है कि महिलाएं जो है वो एक फैमिलिज्म का या वुमेन एम्पावरमेंट के झंडे को लेकर आगे जाती है जो कुछ हद तक सही भी है लेकिन फिर वही चीज जब उनपे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है किसी चीज को ओन करने की बात आती है तो फिर वो एक बोला जाता है कि फैमिलिज्म का या फीमेल कार्ड भी खेलती है और आजकल का जो एक यूथ है वो एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी एक बहुत छोटे छोटे सोशल इश्यू को लेकर बहुत जागरूक हो रहा है और वो ये तक कह देते हैं कि भगवान शिव जो है वो भी अर्धनारेश्वर थे तो जब उनको आप एक्सेप्ट करते हैं तो हमको क्यों नहीं करते है? तो आपके पास भी ऐसे बहुत से डिवोटीज आते होंगे आपके फैन होते होंगे जो इस तरीके के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं शायद जिसमें आप भी कुछ बार सहमत होते होंगे कुछ बार नहीं होते होंगे तो आप कैसे बैलेंस बैठाते हैं इन चीजों पे और आपका क्या टेक होता है कि यार ये चीजें किस हद तक सही है किस हद तक नहीं है देखिए पहली चीज़ तो कभी भी अपनी जो लाइफ से जुड़ी चीज़ें होती है ना उसको कभी किसी देवता या भगवान से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी और हमारी क्लास बहुत अलग है और अगर कंपेयर कर भी रहे हो तो पहले उनको पूरा जान लो पहले उनको पढ़ लो उसके बाद ये कंपेरिजन का झंडा लेकर के आगे चलो बात रही जैसे आपने इश्यूज के बारे में बोला एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में बोला देखो तो मैं बहुत डीपली तो नॉलेज नहीं रखती बट इतना ज़रूर है कि हो सकता है नेचर प्रकृति ने किसी को कैसा बनाया हो और एंड आई एम नो बडी कि उस पर मैं क्वेश्चन उठाऊँ या उंगली उठाऊँ पर इतना कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी मन मर्जी की होती हैं और हम फोर्सफुली उनको राइट्स का नाम देकर के जबरदस्ती झंडा खड़ा करते हैं अमर्यादा को आप सिर्फ फेमिनिज्म का झंडा ले रहे हो आप ह्यूमन राइट्स का झंडा ले रहे हो और आप कह रहे हो कि जो हम गलत कर रहे हैं वो भी सही है तो ये तो मुझे नहीं लगता मैं इसमें कहीं भी समर्थ करती हूँ अपना सपोर्ट करती हूँ कुछ गलतियाँ हमारी खुद की होती हैं या अगर एक शब्द में यूज करूँ थोड़ा हार्श है बट कुछ हमारी अंदर की वासनाएं है होती हैं काम होता है कुछ हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं और उसको हम फिर ये राइट्स के चक्कर में कुछ भी कहीं भी गलत ले जा रहे हैं आज का यूथ ले जा रहा है कहीं भी दो लड़कियों से बात कर रहा है या फिर दस लड़कियों से बात कर रहा है फिर वो लास्ट में जाके उसको नए नए नाम दे देते हैं कि वी आर जस्ट ट्राइंग वो देख रहे हैं तो ये तो इतना जीवन जो हो गया ये तो पूरा अमर्यादित जीवन हो गया डिसिप्लिन है ही नहीं हर चीज़ केवल मेरी मन में है मुझे अच्छी लगती है तो वो सही है ये ज़रूरी नहीं उसके कुछ नेचर ने रूल बनाए और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए ये दोनों रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे फेमिनिज्म की जहाँ तक बात आती है मैं खुद एक लड़की हूँ मैं खुद सपोर्ट करती हूँ मैं खुद कहती हूँ कि बच्चियों को पढ़ाओ बेटियों को आगे बढ़ाओ उनको आज़ादी दो उनको फ्रीडम दो पर मैं एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ माँ बाप जिनके घर परिवार का कोई बेटी कोई बच्चा कभी बाहर नहीं गया पढ़ने उन्होंने हिम्मत की कि मैं अपनी बच्ची को मैं अपनी बेटी को शहर पढ़ने भेजू उन्होंने कर्जा लिया लोन लिया बच्ची को पढ़ने भेजा वो शहर आ गई शहर आके एक दो साल वो रही साल बीतते गए अब जब वो अपनी बेटी को देखते हैं कि कहीं वो सड़क पे जा रही है और फेमिनिज्म के नाम पर पूरी सड़कों पे वो स्मोकिंग करती जा रही है और फिर वो कहती है मैं किसी मर्द से कम थोड़ी हूँ तो आप सोचो उस पिता पर जिसने अपने जीवन का सब कुछ लुटा दिया उस पर क्या बीतती होगी आप सिर्फ गलत काम को करने के लिए अपने आप को पुरुष से कंपेयर नहीं कर सकते मैं एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल से बताती हूँ कि देखो पुरुष जो है वो एक लोहे की तरह है। और लड़की जो है वो एक हीरे की तरह है हीरे की की कीमत लोहे से ज्यादा होती है कीमत ज्यादा है इसलिए उसकी सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है आप लोहे के बाजार में कहीं भी आपको पड़ा दिख जाएगा पर अगर आप एक डायमंड रिंग रखोगे तो उसको घर में बहुत सारे तालों में बंद रखोगे लॉकर्स होंगे उसमें भी फिर एक अच्छा सा डब्बा होगा मखमल का कपड़ा उसमें जा कर के आप रखते हो तो अगर लड़कियों के कुछ नियम हैं तो वो इसलिए नहीं है कि वो कमज़ोर है वो इसलिए हैं क्योंकि वो कीमती हैं उनकी कीमत ज़्यादा है इसलिए उनके लाइफ की कुछ डिसिप्लिन है शास्त्र कहता है मैं किसी और की बात नहीं करती शास्त्र में लिखा है एक लड़की जब छोटी होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है बड़ी होती है तो पति के संरक्षण में रहती है और बड़ी होती है तो बेटे के संरक्षण में रहती है मतलब मर्यादा में रहती है इसलिए नहीं कि वो कमजोर है इसलिए क्योंकि उसकी कीमत है और आप उस मर्यादा को तार तार कर देते मैं कहती हूँ अगर कंपेरिजन करना अच्छे कामों में खूब करिए आज लड़कियां पायलट बन रही हैं आज लड़कियां एवरेस्ट पे जा रही है तो ये सब चीजें अच्छी है खूब आगे बढ़े खूब हम हमारा देश तरक्की करे पर गलत चीजों को आड़ ना बनाए गलत चीजों को नशे को या फिर

सनातन पद्धति से आते हैं तो बहुत से देवताओं का वर्णन है ईश्वर का वर्णन है और हम आपस में उन्हीं में लड़े रहते हैं कुछ लोगों ने कहा कि हम राम मंदिर इसलिए नहीं जाएंगे कि हम कृष्ण को मानते हैं और क्योंकि आप एक कृष्ण भक्त है तो आप कैसे देखते हैं उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यार ये सही है गलत है या क्या है एकदम गलत है आप कृष्ण को मानते हो और आप कहते हो मैं राम को नहीं मानूंगा ये तो एकदम ही पागलपन है ऐसा हो ही नहीं सकता सिया राम में सब जग जानी जब मैं राम को मानता हूं तो मेरे लिए कृष्ण में भी राम है मैं कृष्ण को मानती हूँ तो मेरे लिए राम में भी कृष्ण है अगर राम जी वहां श्यामल वर्ण के मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारे वृंदावन के बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं कोई अंतर नहीं है अंतर करे करोगे तो कभी भी अपने धर्म को नहीं समझ पाओगे हाँ एक लगाव होता है लगाव मेरा कृष्ण जी से ही रहेगा ताउम्र रहेगा वो कोई खत्म नहीं कर सकता पर मुझे पता है कि वो ही सब में बैठा है तो वो अगर मैं राम मंदिर की बात नहीं दुनिया के किसी भी धर्म के कोने के किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं चले जाओ मुझे वहां अपना कृष्ण ही दिखेगा तो अपनी या तो अपने भगवान में अपने जिस भी देवता में देवी में आप मानते हो उसमें निष्ठा या तो इतनी रखो कि आपको हर जगह वो दिखे लेकिन आप अगर उसको भेदभाव कर रहे हो आप ये कह रहे हो नहीं तुम्हारा वाला ठीक नहीं हमारा वाला ठीक है ऐसा नहीं होता सब भगवान के रूप पर अनेक हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं पर तत्व एक है मूल एक है कि वो एक शक्ति है जैसे मैं कथा में बोलती देखो भगवान कृष्ण कौन है सच्चिदानंद है भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है राम कौन है राम के लिए भी कहा है राम सच्चिदानंद दिनेशा भगवान शंकर के लिए सारी दुनिया गाती है सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। सिख धर्म में आप जब जाते हो तो वहां जैसे ही मिलते हैं तो सब लोग कहते हैं आद सच जुगाद सच हो भी सच हो सी भी सच तो वहाँ भी सत्य है मतलब जितने भी भगवान है आ, देवी माँ दुर्गा को कहते हैं साचे दरबार की जय वो भी सत्य है तो इसका मतलब जो भी देवी देवता हैं उन सब का जो मूल आइडेंटिटी है परिचय है वो है सत्य वो सच है सत्य का मतलब होता है कभी न मिटने वाला तो हमारे जितने भी देवी देवता सब सत्य हैं इसमें अगर आप कोई प्रश्न उठाते हो कि नहीं तेरा बड़ा मेरा बड़ा इसका मतलब आपने अभी तक उन्हें जाना नहीं ग्रंथ भी अः एक कोट मैंने कही पढ़ी थी कि लाइब्रेरी में किताब घर में रखी हुई गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब ये बाइबल ये आपस में कभी नहीं लड़ते जो इनके लिए लड़ते हैं वो इनको कभी नहीं पढ़ते बस लड़े जा रहे हैं बस लड़े जा रहे हैं कि भाई तेरा छोटा है धर्म मेरा वाला बड़ा ऐसा नहीं होता सबके अपने अपने इंटरेस्ट है रुचि है मुझे मेरे में ज्यादा इंटरेस्ट है वो आप रख सकते हो उसमें गलत नहीं है लेकिन सम्मान और प्रणाम सबका होना चाहिए क्या बात है हम एक कम्युनिटी और एक मुहिम रन करते हैं जिसका नाम है रेस्ट ऑफ़ ऑफ़ लाइफ लाइफ बेस्ट यानी जो शेष जीवन है हम उसको श्रेष्ठ कैसे बनाए जो बीत चुका वो बीत चुका आपको भगवत गीता से कौन से सा ऐसा कोट है जो प्रासंगिक लगता है और जो मोटिवेट करे हमेशा लोगों को कि वो भी अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ को बेस्ट ऑफ लाइफ बना सके आ, देखो भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने कई जगह बोला है और एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कह रहे ध्याय तो विषयानपुनसाह संगस्ते शूप जाएते संगात सं जाएते काम कामात क्रोधो भी मतलब अगर आप डिप्रेशन की अभी हम बात कर रहे थे उसके लिए ये को, आ, कोठी समझ लीजिए भगवान कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आप चिंता मुक्त रहे अपनी लाइफ में अपने जीवन में तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को कम करिए अपनी जो आपकी मांग है जो डिमांड्स हैं उसको थोड़ा सा कम करिए मतलब जो मिल गया वो आपके लिए सबसे बेहतर होना चाहिए जो दे दिया भगवान ने वो मेरे लिए बेस्ट है उससे आगे कुछ भी नहीं अगर इतनी सी बात आप समझ जाओगे ना अपनी लाइफ में तो ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ लाइफ आपकी अपने आप खुशी खुशी बीतने लग जाएगी यही हम गलती करते हैं कि हमको जो मिल गया वो हमारे लिए मिट्टी है और जो ना मिला वो हमारे लिए सोना है कुछ पाकर के भी हम उसकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कभी भी अपने जीवन को खुशहाल नहीं बना सकते हो जैसे आपने ये अपना ये मुहिम बना रखी है उससे मुझे एक सेम जैसा श्लोक वो भी ये बात याद आती है जैसे लोग कहते हैं मरने के बाद किसी को बोलते हैं कि रेस्ट इन पीस उसका एक शॉर्ट फॉर्म भी रिप आजकल लोग भेज देते हैं है, रेड में भेज देते हैं तो मैं कहती हूँ कि वाई रेस्ट इन पीस मरने के बाद क्यों वाई कांट बी लिव इन पीस हमेशा मरने के बाद ही शांति क्यों होती है मरने के बाद ही क्यों कहते भगवान इनके आत्मा को शांति दे पहले भी तो हम ये कर सकते हैं पहले भी तो मांग सकते मरने से पहले पर अक्सर यही होता है कि जब कोई मर जाता है मरने के बाद तो हर कोई अच्छा लगता है मरने के बाद उसमें बड़ी खूबियां दिखती है बड़ा अच्छा आदमी था एक किसी आ, मुर्दे ने कहा कि आज जो मेरे आसपास बैठकर के मेरे लिए रो रहे हैं ये जमाना एक बार उठ जाऊं ना अभी तो ये सारे मुझे जीने, जीने नहीं, नहीं, देंगे। नहीं देंगे मेरा जीना हराम कर देंगे तो मरने के बाद शांति मरने के बाद अच्छा था मरने के बाद अच्छा प्रशंसा इससे अच्छा जीते जी हम आदमी की अहमियत को समझें और अपनी भी लाइफ को अच्छा बनाए और सामने वाले की लाइफ को भी अच्छा बनाए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जैसा कि देवी चित्रलेखा जी के साथ इस पूरे कॉन्वर्सेशन में साक्षात्कार में आई एम श्योर कि कुछ कुछ जगह आप डिफर करते होंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और जो बिल्कुल जायज है तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको हेल्प कर रहा है आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ को बेस्ट ऑफ लाइफ बनाने में और कौन से पॉइंट से आप डिफर भी कर रहे हो तो बहुत अच्छे शब्दों में बताना कि उसमें आपका लॉजिक क्या कहता है और जब हम ईश्वर के बंदों से मिलते हैं ईश्वर की संतान से मिलते हैं तो कुछ जगह लॉजिक से ज्यादा मैजिक काम करता है right. तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नए एपिसोड में एंड आई एम श्योर एंड यू रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ